सामने वाला भी अगर पक्का खिलाड़ी हो तो उससे भिड़ने से पहले सोचना पड़ता है, और जो ये सब नहीं सोचते उनके साथ अंत में क्या होता है, ये आज आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझने वाले हैं। वैसे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारे चैनल प्लेनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब कर वो बगल वाली घंटी को जरूर दबा दें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। सांपों का खेल दिखाने वाले या उनके साथ खेलने वाले, ये सब आपने अपने आसपास या सड़कों पर ऐसे शो दिखाने वालों को जरूर देखा होगा, मगर ध्यान रहे कि सांपों के साथ यूं मजाक मस्ती कभी बहुत महंगी भी पड़ सकती है। जैसे इस सपेरे को पड़ गई, ये सपेरा सांपों को अपनी टोकरी में लिए लोगों को शो दिखा रहा था, मगर तभी अचानक हंसी हंसी में खांसी हो गई। एक वक्त आया जब अचानक इस सांप ने जो जहरीला था उसने उसके गालों पर ही अटैक कर दिया। इसलिए हमेशा ध्यान में रहे कि नेचर के साथ कभी खेला नहीं जाता। आपने पोर्क्यूपाइंस नाम का एक कांटों वाला जानवर तो देखा ही होगा ना, हो सकता है आपके एरिया में इसे कुछ और नाम से बुलाया जाता हो। कहते हैं इसके यही कांटे इसको दूसरे जानवरों का शिकार होने से बचाते हैं, लेकिन ये जो लेपर्ड है ये इस बात को मानने से मानो राजी ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको भी आज ये समझ आ जाएगा। काफी देर तक ही लेपर्ड इस पर अटैक करने की कोशिशें करता रहता है, और आखिर में एक जोरदार अटैक के चक्कर में इसकी क्या हालत हुई ये आप अभी इसको देखकर समझ ही सकते हैं। मुंह के चारों ओर कांटे ही कांटे और खूब सारा दर्द। शायद अब ये लेपर्ड भी इस जीव से भिड़ने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। बाज को उसकी नजर और स्किल की वजह से जाना जाता है, जो अक्सर सांपों पर उड़ते हुए अटैक करता है और उन्हें खा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इस बार जिस ईगल ने इस सांप को शिकार बनाना चाहा, तब यहां दांव उल्टा पड़ गया। सांप को मारकर खाने के चक्कर में खुद इस सांप के जाल में फंस गया। ये तो अच्छा इन लोगों का जो इस खूनी खेल में बीच बचाव कर दिए, नहीं तो आज ये सांप इस ईगल को जरूर मार कर खा जाता है कि नहीं फ्रेंड्स। सोशल मीडिया पर अभी स्नेक कैचिंग की वीडियोस बहुत चल रही है, और कुछ लोग बस इसी होड़ में दौड़ने लग रहे हैं कि ये भाई साहब भी उन्हीं में से है जो शायद इस सांप को आसानी से रेस्क्यू कर सकते थे, मगर इसके साथ खेलने के चक्कर में इसी का कांड हो गया। भगवान यार, चल 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 गाड़ी निकाल। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है जब कुत्ते गायों का जीना हराम कर देते हैं और ये मासूम जीव उनका कुछ नहीं कर पाती, लेकिन हर बार इन कुत्तों का सामना ऐसी ही गायों से होता रहे, ये कहां लिखा है मेरे भाई। आज इन कुत्तों ने इस गाय को परेशान करने की कसम खाई, मगर इनको नहीं मालूम कि यहाँ इनकी ही सीटी बजने वाली है। जैसे ये कुत्ते गैंग बनाकर इस पर हमला करते हैं, तब ये गाय भी पीछे नहीं हटती और इनको रॉकेट के जैसे हवा में उड़ाती रहती है। एक को कन्याकुमारी में फेंकती है तो दूसरे को जम्मू कश्मीर में। कुत्तों के इस सर्फ एक्सल वाली धुलाई पर आपका क्या कहना है दोस्त? हाइनाज बहुत ही आक्रामक जीव होता है, जो अक्सर बड़े जीवों पर झुंड में अटैक करके उनको मार कर खाने वालों में से एक है, लेकिन इस हाइना को तो गधे ने लपेट दिया। देखो भाई से। गधा समझकर हमला तो कर दिया, लेकिन इस एक्शन सीन की एंडिंग ये गधा तय करता है। बेचारा हाइना बहुत बुरा फंसा यार। लेपर्ड जो होते हैं उनके शिकार का बचना बहुत मुश्किल होता है, इवन अगर वो पेड़ पर भी चढ़कर बैठ जाए तब भी नहीं, क्योंकि लेपर्ड पेड़ों पर भी चढ़ाई कर सकते हैं।
यही सेम स्किल टाइगर या लायंस भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी इंसिडेंट को ले लीजिए, ये टाइगर इस बंदर को खाने का पूरा प्लान बनाकर आया है, मगर ये बंदर है कि पेड़ के ऊपर ही जगह जाकर बैठ गया। ये टाइगर भाई साहब आज कहां यूं ही जाने वाले हैं, ये भी इसके पीछे पीछे पकड़ने को आ गए। अब बंदर तो बंदर ही होता है यार, ये बात को इस टाइगर जी को समझाने वाला था नहीं। और आखिर में जब ये टाइगर भाई साहब ऊपर से नीचे खाली हाथ गिरे, तब जाकर इनको अक्ल आई। कभी कभी किस्मत भी इतनी खराब होती है कि ना चाहते हुए भी हमें खुद के लिए लड़ना ही पड़ता है, जैसे कि इस कुत्ते के साथ हो गया। ये कुत्ता न जाने कैसे लायंस और टाइगर्स के एरिया में पहुंच गया, और तभी ये होता है। जैसे ये कुत्ता इसके पास पहुंचा, ये टाइगर भूखा होगा और फौरन इस टाइगर ने इस पर झपट्टी दे मारी। बेचारा कुत्ता यार, क्या कहेंगे आप इसकी किस्मत पर। आपने ईल नाम की मछली कभी देखी है ना? वेल, हमने तो इसके कई वीडियोस में आप लोगों दिखाया है जो करंट मार सकती है, लेकिन ये भोले भाले कुत्ते ने हमारी वीडियो देखी नहीं, तभी इसको ये मालूम नहीं हुआ और जाकर ईल पर अटैक कर देता है। अब भाई, ये कोई ऐरी गैरी मछली तो थी नहीं जो ये कुत्ता आएगा और इसे खा जाएगा। जैसे ही इस कुत्ते ने इसको छुआ, फटाक से इस मछली ने इसको ऐसा करंट का झटका दिया कि ये यहां से फटाफट 9-2-11 हो गया। क्या हो अगर कोई घोड़ा किसी टर्टल को अपनी लाइफ में पहली बार ही देखे। आइए ये भी देख लीजिए। Get it? You're gonna get your ass now. ईगल्स और उसके अटैक करने की फुर्ती इस बात को वैसे साबित करने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की नॉलेज के लिए ये अगली क्लिप काफी होगी। वैसे तो गोरिल्ला भी बहुत डेंजर वाला जानवर होता है, मगर कभी कभी अपोनेंट भले ही कमजोर हो, फिर भी इनकी फट जाती है। और यही मोमेंट अभी आप इस छोटी सी क्लिप में देखने वाले हैं। ये जो गूज नाम का पक्षी है, पता नहीं इसके खोपड़े में कौन सा करंट दौड़ता है कि ये गोरिल्ला से भिड़ जाता है यार। और शॉकिंग चीज तो ये थी कि इसका ऐसा अचानक उग्र रूप देखकर गोरिल्ला की फटकर हाथ में आ जाती है। इतनी बड़ी बॉडी बनाकर क्या गुंडा बनेगा रे तू गोरिल्ला। ऐसी वीडियो हम पहली बार बना रहे हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि ऐसी वीडियो आपको कैसी लगती है और क्या हमें ये सीरीज जारी रखनी चाहिए। आप जवाब दीजिए, तब तक हम दूसरे वीडियो की तैयारी करते हैं।